अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज एक नई वीडियो में आपके साथ। सर, ये पिछले कुछ दिन पहले मैं खुद भी, मेरे फेसबुक के ऊपर भी शामिल हैं सनी अली साहब, एक बड़े मशहूर आदमी हैं और ये वगैरह के जो भी जो अमेजोन के जो कोर्सेज हैं वो करवाते हैं। उन्होंने एक बड़ी पोस्ट लगाई इंटरेस्टिंग किस्म की, जिसमें उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में मुख्तलिफ राय दी कि किसी का फायदा और किसी का नुकसान, और इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ था कंफ्यूजिंग। मैंने उन्हें वहाँ भी बड़ी एहतराम के साथ, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ कि वो लोगों को ट्रेन करते हैं, और मैंने उनको भी यही लिखा कि भाई आपका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन किसी भी चीज़ पर कमेंट करने से पहले जो उस्ताद होते हैं उनको पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए फैक्ट्स को। तो वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा उनको भी और उनके फॉलोअर्स को भी कि स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या। आप लोग पहले ये समझिए, ये कोई सट्टा नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस है और उस बिजनेस का आप हिस्सा खरीदें, आप कुल खरीदें या उसका हिस्सा खरीदें, बात वहीं पे रहती है। मसलन अगर आप एक पान शॉप खरीदने जाएंगे तो आप उस पान शॉप की सेल देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, रेंट देखेंगे, डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पान शॉप फिजिबल है या नहीं, या प्रॉफिटेबल है या नहीं। और जितनी जैसे सनी अली साहब जो अपना काम करवाते हैं लोग, उनका लोग अपन 30 से मल्टीप्लाई करके फ्लिप करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वहां पर भी लोग जो है नाकाम होते हैं, एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाते हैं और उनको 25-30 लाख रुपया जाया हो जाना एक आम सी बात सुनने में मेरे आया। मैं कोई बहुत ज्यादा तहकीक तो नहीं, लेकिन अमेज़न में लोगों का नुकसान भी हो जाता है। वो एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करते हैं अपना स्टोर बनाने के लिए और सही तरीके से पिच नहीं कर पाते। तो देखिये, नफा नुकसान पान की दुकान हो या अमेज़न पे दुकान हो, कहीं पर भी वो हो जाता है। और अमेज़न में तो जरा सी क्वालिटी की अगर गलती हो जाए तो वो परमानेंटली देर नहीं लगाते आपका अकाउंट ब्लॉक करने में। तो इसका क्या मतलब है कि हम अमेज़न का काम ही ना करें? या इसी तरह अगर हम कोई बिजनेस फिजिबल नहीं है तो क्या हम बिजनेस करना ही छोड़ दें? तो ये इसका हल नहीं है। इसका हल है कि हम दुरुस्त तरीके अडॉप्ट करें, हम ऐसा मटीरियल, ऐसी क्वालिटी को पहले चेक करें, अपनी क्वालिटी अच्छी दें, ताकि हमारा हमारी जो वो जो ब्रांड है वो अमेज़न ब्लॉक ना करे। इसी तरह अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, आप रिसर्च करें, ब्रोकरों पर रिलाई ना करें, रिसर्च करनी सीखें, कंपनी को असेस करना, वैल्यूएट करना सीखें, उसको मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स का मंथिंग को सीखें, और फिर आप इन्वेस्ट करें तो इंशाल्लाह ताला भारी प्रोबेबिलिटी है कि आप उसमें प्रॉफिट कमाएंगे। सो ये बड़ा जरूरी है एकदम इस तरह से किसी भी बिजनेस को सोचे समझे बगैर उस पर कमेंट कर देना। और अमेज़न ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर पब्लिक उसके भी शेयर होल्डर्स हैं, तो ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। मैं वो तो डिबेट तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस पर थोड़ी सी, चूंकि इस फील्ड से मैं 31 साल से वाबस्ता हूँ, तो मैं ये एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि किसी भी चीज पर कमेंट करने से पहले कम अज कम उसको वेरीफाई कर लें। पाकिस्तान में 99.99% लोग, खासतौर पर स्टॉक मार्केट, वैसे तो हम डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सब कुछ हैं, सिर्फ एक टी स्टॉल में जो लड़का काम कर रहा था उसे सिर्फ एक प्याली चाय ही बनानी नहीं आती अच्छी, बाकी वो सब कुछ है, उसे न्यूक्लियर वेपन्स का भी पता है, उसे पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स का भी पता है। अगर हम प्रोफेशनल अपनी हद तक रहें और अपने प्रोफेशन पर कमेंट करें तो मेरा ख्याल है हमारी इज्जत में भी इजाफा होगा और हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होगा। तो बहरहाल मैं बड़ी इज्जत करता हूँ सनी अली भाई की, खुदा ना खास्ता मैं उनके वो खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ मुझे लगा थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है तो मैंने अपने चैनल पर इसकी वजाहत दी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस बात को पॉजिटिवली लेंगे, बड़ा अच्छा काम मुल्क के लिए कर रहे हैं और लोग उनसे भी सीखें, काम करें, और मेरी भी जितनी बसात है मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरा मकसद भी पॉजिटिविटी देना है। अल्लाह ताला सब के रिस्क में इजाफा करें, आप सबको राय राज पे चलने की तौफीक दे, आप सोच कर समझ कर सीख कर काम करें, चाहे वो अमेज़न पे हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, या चाहे वो एक पान का कोठा ही चले। इंशाल्लाह ताला फिर एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।